आम आदमी की जेब और जिंदगी से जुड़े 7 बदलाव आज से लागू हो गए हैं। एक तरफ तो मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधानों के तहत जुर्माने की रकम को और बढ़ा दिया गया है, तो वहीं बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई अहम बदलाव भी हुए हैं। सस्ता हुआ SBI का होम लोन। होम लोन पर SBI की नई ब्याज दरें लागू हो गई हैं। 30 लाख रुपए तक का लोन अब 8.25% की बजाय 8.05% की दर पर मिलेगा और ये दर नए ग्राहकों के साथ ही मौजूदा ग्राहकों के लिए भी लागू होगी। 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% टैक्स। वित्तीय साल में 1 या ज्यादा बैंक खातों, सरकारी बैंकों या डाकघरों से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाली तो 2% TDS कटेगा। जो लोग 31 अगस्त तक इस लिमिट को पूरा कर चुके हैं उन्हें अब हर विड्रॉल पर टैक्स देना पड़ेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिली रकम पर 5% टैक्स। प्रीमियम के कुल भुगतान के सिवा जितनी राशि मिलेगी उस पर टैक्स लगेगा, जबकि अब तक नियम था कि अगर सालाना प्रीमियम भुगतान सम एश्योर्ड से 10% ज्यादा नहीं है तो मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा कटेगा 1% TDS। अचल संपत्ति की खरीद पर TDS कटौती की गणना में क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग और बिजली पानी के शुल्क का भुगतान भी शामिल किया जाएगा। इन्हें मिलाकर कुल वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो खरीदार को भुगतान से पहले 1% TDS काटना होगा। महंगी हुई ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग। IRCTC ने टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज फिर से शुरू कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक नॉन AC पर 15 रूपए और AC क्लास पर 30 रूपए सर्विस चार्ज लगेगा। इस पर GST अलग से लगेगा। प्रोफेशनल को 50 लाख से ज्यादा भुगतान पर 5% टैक्स। घर की मरम्मत, शादी के कार्यक्रमों या फिर किसी अन्य मकसद से किसी कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को भुगतान पर टैक्स काटना पड़ेगा। पूरी पेमेंट पर TDS कटेगा और अभी तक निजी मकसद से किए गए भुगतान पर TDS नहीं काटा जाता था। R9 TV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।